Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dharvi Bala and in today's video I'm going to share with you this eye look. So ये वाला look हम लोग आज सीखने वाले हैं. डिटेल वीडियो होने वाला है, आई मेकअप का डिटेल वीडियो रहेगा. सो कीप वॉचिंग. सबसे पहले हम लोग अपने आईब्रोज सेट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पियर्स सोप लेंगे हम सबसे पहले, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब है. I'm sorry. मॉइस्चर आया हुआ है इसमें काफ़ी सारा, और मैं इस तरह का ना यहाँ पे आईब्रो कोम ब्रश, इसको आप बोल सकते हो, या फिर स्पूली, वो ले रही हूँ और प्रोडक्ट ले रही हूँ. और नॉर्मली जस्ट कोम करूँगी आईब्रोज को इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में करना है आपको कोम. इसके बाद नॉर्मली आप लोगों को इस तरीके से, जैसे आप अपनी आईब्रो को शेप देते हो वैसे शेप देनी है. एकदम बढ़िया से सेट कर देता है आपके आईब्रोज को. बहुत सस्ता तरीका है अपनी आईब्रो को सेट करने का, बिकॉज नॉर्मली आप कोई ब्रो जेल भी यूज़ कर सकते हो, बट अगेन ये एक सस्ता तरीका है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत बढ़िया काम करता है. किसी भी ब्रो जेल से बहुत अच्छा काम करता है. नेक्स्ट हेयर आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ फ्लैट ब्रश, और स्विस ब्यूटी का मैं यहाँ पे आईब्रो एंड जेल आईलाइनर वाला ये पॉट आता है ये ले रही हूँ. उसके ऊपर आपको खुलेगा हाँ, ये आईब्रो का प्रोडक्ट, यहाँ पे आईब्रो फिलिंग प्रोडक्ट मिलता है फर्स्ट फ्लोर में. और जैसे आप इसको ओपन करते हो यहाँ पे आपको आईलाइनर पॉट रिसीव होता है. ठीक है, सो यस, अच्छा है काफ़ी. अभी ये दिखने में ब्लैक लगता है, बट फिनिश आपको बहुत ही नेचुरल देता है. ब्लैक फिनिश नहीं आती है इसकी. सेंटर से स्टार्ट करूँगी मैं अपनी आईब्रो फिल करना, और पीछे की तरफ जाऊँगी. सबसे पहले तो बिल्कुल ब्रश की ना टिप पे मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, लाइक दिस, और प्लेस कर रही हूँ. आपको पहले आईब्रो सेट करनी है सोप से और फिर फिल करना है. पहले फिल नहीं करना है, ठीक है, पहले सेट करनी है एंड देन फिल करनी है. और फ्रंट में नेचुरल लुक देने के लिए सिंपली मैं जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश पे बचा है वही यूज़ कर रही हूँ, और प्रोडक्ट नहीं लिया है मैंने. ठीक है, सो उसी से हम नॉर्मली फिल कर लेंगे फ्रंट में भी. वैसे बहुत नेचुरल फिनिश है. ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे इस ब्रश ले रही हूँ इधर आईब्रो ब्रश, और इसको नॉर्मली बहुत ही हल्के हाथों से कोम कर दूंगी ताकि प्रोडक्ट सारा ब्लेंड हो जाए बढ़िया तरीके से. नेक्स्ट हम चलते हैं कंसीलिंग की तरफ. मेकअप स्टूडियो का कंसीलर आता है ये. ठीक है, ये वाला शेड मैं लूँगी, जो सबसे ज़्यादा लाइट शेड है वो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ. ठीक है, और फ्लैट ब्रश लूँगी. अप्लाई करेंगे कंसीलर. अभी जो इस तरह के लुक होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट आपकी पूरी आईलिड ले लेते हैं. आप लोग देखो, ये आईज ऑलमोस्ट पूरी कवर है. थोड़ा सा यहाँ पे बस हाइलाइटर का स्पेस छूटा है, दैट्स इट, और सब कुछ कवर है. इस तरह के ड्रामेटिक आई लुक्स हमेशा आपकी पूरी आईलिड कवर कर लेते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. फुल कवरेज कंसीलर है, बेस पैलेट है मेकअप स्टूडियो की है. अपने फिंगर की हेल्प से मैं सिंपली यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगी. ओके, अब हम लोग चलते हैं आई शैडो की तरफ. सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी यू कैन बी की एब्स्ट्रैक्शन आई शैडो पैलेट. बहुत ही कलरफुल सी तो इसकी पैकेजिंग है, और उसके बाद अंदर आई शैडो ऑलमोस्ट सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं. और सबसे अच्छी बात, इसमें इस तरह के ना सटल शेड्स भी रिसीव होते हैं. इन्हीं शेड्स की वजह से मैंने, इन पेस्टल शेड्स की वजह से मैंने ये आई शैडो पैलेट परचेज करी थी. पहले हम लोग ये वाले आई शैडो में जंप करेंगे, डिप करेंगे अपना ब्रश इस आई शैडो में. डेप्थ पे प्रोडक्ट प्लेस करूंगी लाइक दिस, आगे तक लेकर आऊंगी मैं. ठीक है, इसलिए एक ना ऐसा मैंने यू सा ड्रॉ कर दिया इधर. हाँ, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रश. आगे से फ्लफी है. ठीक है, सिंपली सबसे पहले तो इसी आई शेडो को हम लोग ब्लेंड कर लेंगे. इसके एजेस में ब्लेंड कर रही हूँ. सबसे पहले ध्यान रखना खाली एजेस लाइक दिस. पीछे से ब्रश होल्ड किया है और ब्लेंड करेंगे
ब्लैंड 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 ब्लैंड, इसको थोड़ा सा मैं यू नो बाहर निकाल दूंगी, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अभी इसको और ज्यादा सॉफ्ट लुक देने के लिए इस आई शेडो में ब्रश डिप करने वाली हूँ, दिस वन, और इसको अगेन एजेस पे ब्रश रखेंगे और ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। पैक का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, नंबर है 126। और अगेन मैं ये वाली आई शेडो लूंगी जो मैंने सबसे पहले ली थी, ठीक है। और ज़्यादा मेरे को डेप्थ चाहिए, अभी मैं हैप्पी नहीं हूँ बेसिकली डेप्थ से, तो डेप्थ क्रिएट करेंगे हम लाइक दिस, एंड साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको ब्लेंड आउट करते रहेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कट क्रीज की तरफ, ठीक है। हाफ कट क्रीज ड्रॉ करेंगे, इस तरह का मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, और क्लीन कर लूँगी सबसे पहले टिश्यू पे, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट मेकअप रिमूवर लूँगी यहाँ पे, लैक्मे एब्सोल्यूट का ये मेकअप रिमूवर है, ऑयल बेस्ड है, आप लोग कोई भी मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हो। इसकी टिप पे मैं स्प्रे करूँगी एंड क्रीज कट करेंगे। सेम कंसीलर ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो का, सेम ब्रश ले रही हूँ, एंड ऑलमोस्ट डन। नो डाउट कट क्रीज की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, कट क्रीज की बहुत प्रैक्टिस लगती है। हम लोग चलते हैं पिगमेंट की तरफ। पिगमेंट के लिए यहाँ पे मैंने दो पिगमेंट यूज़ किए हैं। सबसे पहले तो ये वाला पिगमेंट यूज़ किया है मैंने, इस यू कैन बी एब्स्ट्रैक्शन आई शेडो पैलेट में से। सेम ब्रश ले रही हूँ और पीछे से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। वाओ, ये बहुत ही अच्छी आई शेडो पैलेट है। आई मीन सारे कलर सुपर डुपर पिगमेंटेड हैं, बट अगेन इस आई शेडो पैलेट के बहुत सारे ड्यूप्स अवेलेबल हैं। आप लोग, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको परचेज करनी हो तो। ये पर्पल पे अवेलेबल है। कलर के लिए मैं यहाँ पे गॉर्जियस मी ब्यूटी ग्लासिक पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, और इसमें से ये वाला ब्लू शेड मैं पिक कर रही हूँ। वाओ, एक ही बार इन्वेस्ट करो और अच्छी आई शेडो पैलेट्स में इन्वेस्ट करो। दोनों कलर को साथ में ब्लेंड कर दो, ब्लेंडेड लगने चाहिए ये। नेक्स्ट आप लोग देखोगे यहाँ मेरी आईलेट पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से आप लोगों को सिल्वर कलर के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। कलर एसेंस का लूज पिगमेंट है जो मैंने यूज़ किया है अपनी आईलेट पे, यही यूज़ करेंगे आज। एंड इसका लिंक मेरे को नहीं मिलता है, ये मैंने स्टोर से मैंने कलर एसेंस के स्टोर से परचेज किया था। और आई डोंट नो ये कैमरा पे कितना दिख रहा है, बट सामने से ये बहुत प्रिटी लगता है। मेरे पास इसका सिल्वर शेड है, कॉपर शेड है, और पर्पल है, और पिंक भी है, बट पर्पल और पिंक में को इतना अच्छा नहीं लगा, सिल्वर और कॉपर ज़्यादा अच्छा। एन बी एब्स्ट्रैक्शन आई शेडो पैलेट ही ले रही हूँ, और ब्लैक आई शेडो लूँगी मैं इसमें से, सेम फ्लैट ब्रश पे ले रही हूँ, ठीक है। इसके टिप पे देखो मैंने प्रोडक्ट पिक किया है, पीछे से स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना। धीरे धीरे आगे आएंगे, ठीक है।
ब्लैक आई शेडो लूँगी और पीछे से ना इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, बिकॉज ये हार्श एजेस नहीं दिखने चाहिए, सब कुछ ब्लेंडेड लगना चाहिए अच्छे से। आगे से भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर देंगे सब कुछ। आई एम गोइंग टू अप्लाई माई आई लैशेज एंड आई विल सी यू गाइस इन 5 मिनट्स। आई एम बैक। लुक, अभी हाइलाइटर। फॉर हाइलाइटर हियर आई एम टेकिंग हिलेरी लोडा ग्लो किट 2 मल्टी कलर बेक्ड हाइलाइटर पैलेट, दिस वन। ऑलमोस्ट सब कुछ हट चुका है इससे, बहुत मुश्किल से पढ़ा है मैंने, और इसमें से सिल्वर हाइलाइटर लेंगे। ऑयल फैन ब्रश ले रही हूँ, इस पर सिल्वर हाइलाइटर ले रही हूँ। अगेन ब्रश की टिप पे ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है ऐसे करके लगाने का, ठीक है, तो टिप पे से ही लगाएंगे और ऐसे लाइक दिस। और ब्लेंड कर देंगे थोड़ा थोड़ा अपने फिंगर से। सेम यू कैन बी एब्स्ट्रैक्शन आई शैडो पैलेट लूँगी, इसमें से यही डार्क ब्राउन और एक्चुअली वाइन शेड है, ये वाइन शेड यहाँ पे ये वाला पिक करेंगे इसमें से। और ओ गॉड, अनड्राई ब्लेंडिंग करता है। और आगे की तरफ फ्रंट में मैं अगेन ये सिल्वर हाइलाइटर लूँगी थोड़ा सा इस तरह के एंगुलर ब्रश पे और इसको अप्लाई कर लेंगे। लुक, अभी वाटरलाइन के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे तो सिल्वर हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। आईज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपी लग रही हैं और थोड़ी सी बिग लग रही हैं, तो मैं वाइट आई लाइनर सॉरी वाइट काजल की तरफ नहीं जाऊँगी, मैं ब्लैक काजल अप्लाई करने वाली हूँ। ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल लूँगी और ये अप्लाई करूँगी वाटरलाइन पे। Now this is it for today. Thank you so much for watching. Video अच्छी लगी हो तो like कर देना और subscribe कर देना इसे all looks देखने के लिए। And yes, bye bye.